अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कास्ट कश्मीर का जो थर्ड राउंड काउंसलिंग यूजी कोर्सेज का है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड भी काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो चुका है। थर्ड राउंड की कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आई है, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग का, जिनके पॉइंटर्स 60 के बिलो जिनके पॉइंटर्स हैं वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर थर्ड राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूँगा कि थर्ड राउंड होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कट ऑफ जो है थर्ड राउंड का वो कहां तक जाएगा। लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, लास्ट ईयर जो है फिलहाल फर्स्ट राउंड भी लास्ट ईयर के हिसाब से गया, सेकंड राउंड भी लास्ट ईयर के हिसाब से गया, और देखते हैं थर्ड राउंड का भी लास्ट ईयर कितना गया था और लास्ट ईयर के हिसाब से ही जाएगा या नहीं जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, लास्ट ईयर जो है वो स्कास्ट कश्मीर ने थर्ड राउंड काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकाली थी और थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला था, तो नोटिफिकेशन उन्होंने आज निकाली, तो दो दिन बाद उन्होंने दूसरी नोटिफिकेशन निकाली कि सीटें जो है वो फिलअप हो गई, अब थर्ड राउंड या मोपअप राउंड कोई कुछ भी यहां पे नहीं होगा। तो लास्ट ईयर सिर्फ दो ही राउंडर्स काउंसलिंग के हुए थे, तो यहां पे आपको इस बात से क्लियर हो गया कि थर्ड राउंड का यहां पे ज्यादा चांसेस होते नहीं है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तो 100% होता है, लेकिन थर्ड राउंड के यहां पे ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं कि थर्ड राउंड होगा। लेकिन इस बार जो है सीटें अभी वैकेंट हैं, काफी सीट्स अभी वैकेंट हैं, तो वहां से पता चल मतलब लगा सकते हैं हम कि शायद थर्ड राउंड जो है वो होगा। और अगर थर्ड राउंड आपका होगा तो वो कम से कम 15 नवंबर तक आपका जो है वो अपडेट आ जाएगा, मतलब 15 नवंबर तक आपका जो है वो थर्ड राउंड के बारे में अपडेट आ जाएगा अगर सीट्स रही, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस वगैरह चलेगी, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की एडमिशन प्रोसेस चलेगी, उनका देखा जाएगा कितनी सीट्स वहां से कैंसिल हो जाती हैं और यहां पे जो अभी वैकेंट सीट्स हैं उनको ऐड करके कि जितनी सीट्स यहां पे रहेंगी, अगर सीट ज़्यादा वैकेंट रही तो इनको अगर लगा कि थर्ड राउंड करना है तो ये थर्ड राउंड काउंसलिंग का करेंगे। जिस हिसाब से पीजी कोर्सेज का इन्होंने जो है वो दो दिन पहले थर्ड राउंड स्टार्ट किया, दैट मीन्स कि यूजी कोर्सेज का भी यहां पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग होने के। बाकी आप 15 नवंबर तक वेट कर लो, थर्ड राउंड आपका जो वो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस इस साल लग रहे हैं कि थर्ड राउंड होगा, क्योंकि सीट्स अभी वैकेंट है। तो बात करेंगे कट ऑफ की, कट ऑफ लास्ट ईयर कहाँ तक गया था, तो ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लास्ट ईयर की जो है वो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन है, इसमें जो है वो थर्ड राउंड का क्या कहा गया था। तो देखिए थर्ड राउंड में यहाँ पे कट ऑफ गया था 50 के प्लस 52 यहाँ पे 59 गया था, क्योंकि सेकंड राउंड में जो है 60 के प्लस जो है वो कट ऑफ रहा था और थर्ड राउंड में यहाँ पे 52-59 यहाँ पे कट ऑफ गया था। यही 52-59 यहाँ पे थर्ड राउंड अगर इस साल हुआ तो इतना ही यहाँ पे जो है वो जाएगा, यानी कि जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट 50 या 50 के प्लस हैं वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं थर्ड राउंड का, वो उनके चांसेस हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के। बाकी कि जिन कैंडिडेट्स को 50 के बिलो पॉइंट्स हैं उनके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उनका यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। हाँ, वो अगर इनकेस अगर मोप अप राउंड हो जाता है आगे चल के तो उस कंडीशन में उन कैंडिडेट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। बाकी आप कुछ डेज वेट कर लो, जो ही कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा, ऑफिशियल अपडेट क्या नोटिफिकेशन आ जाएगी काउंसलिंग की, उसमें सारा कुछ मेंशन होगा कितने पॉइंट्स के कैंडिडेट्स जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको उस नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। फिलहाल मैंने आपको रफली पूरी डिटेल यहां पे दी लास्ट ईयर के हिसाब से, तो एंड आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।